वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजय कांत। सूरत में भेस्तान और उधना स्टेशनों के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के दरवाजे पर बैठी एक यात्री का मोबाइल फोन चुराने की कोशिश की। उसके मोबाइल बचाने के प्रयास में यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका दाहिना पैर कट गया, सिर और बायां पैर समेत शरीर पर काफी चोटें भी आई। भेस्तान रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन जब गुजर रही, तभी वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति दरवाजे के पास बैठकर, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जाती है, उसका नाम मोहम्मद इरशाद आलम, जो मोबाइल खींचने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बचाने के प्रयास में वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें उसका दाहिना पैर कट गया। 108 से एम्बुलेंस से न्यू सिविल अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। ट्रोमा सेंटर में उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर ने बताया कि युवक के सिर और बाएं पैर समेत शरीर पर काफी चोटें आई। काम पर जाते समय सचिन मोबाइल पर समेत चोरी की घटनाओं का इजाफा काफी बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि गर्मी की छुट्टियां होने के कारण ट्रेनों में काफी भीड़ रहती है। सीजन के चलते यात्रा के दौरान स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते उतरते समय यात्रियों का सामान मोबाइल पर्स की चोरी की घटनाएं बढ़ती जाती है। इस घटना में साबित होता है कि सूरत, उधना और भेस्तान के स्टेशनों का आसपास मोबाइल झपटमार अब भी सक्रिय है। इससे पूर्व में कई हादसे हो चुके हैं। रेलवे प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह करता हुआ यह हादसा। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।